नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, आप लोगों ने ट्रेन में सफ़र के दौरान कोच में इस तरीके का लाइट ज़रूर देखे होंगे। क्या आपको पता है कि ये कौन सी लाइट है और इसे क्यों दिया गया है, और ज़्यादातर ये लाइट ऑफ ही क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसको लगाने के पीछे क्या कारण है। दोस्तों, अगर ट्रेडिशनल लाइटिंग सिस्टम की बात की जाए तो ट्रेन के कोच के नीचे लगे हुए बैटरी से पूरे कोच को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, जिससे लाइट, फैन इत्यादि चलती है। अब दोस्तों, जब भी किसी भी कारण से अगर बैटरी की सप्लाई बंद हो जाती है तो पूरे कोच में अंधेरा ना हो, इसलिए इस तरीके का इमरजेंसी लाइट दिया गया है। और आपने ध्यान दिया होगा कि ये इमरजेंसी लाइट सिर्फ ज़रूरी सेक्शन में, जैसे कि कोच की एंट्री या एग्जिट पे या यातायात करने की पैसेज पे दी गई है, ताकि लोग आसानी से चल फिर पाए। और ये किसी भी अनहोनी दुर्घटना के वक्त इसलिए फायदेमंद होता है क्योंकि लोग आसानी से इस लाइट की सुविधा से पैसेज वे और दरवाजे को लोकेट कर पाए और सुरक्षित निकल पाए, और साथ ही रेस्क्यू टीम को लोगों तक पहुंचने में आसानी हो। ये इमरजेंसी लाइटिंग यूनिट इंडिपेंडेंटली काम करती है और इसका सेपरेट रिचार्जेबल बैटरी होती है। दोस्तों, इस इमरजेंसी लाइट को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि यह 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड की इम्पैक्ट को भी झेल पाए और धूल या कोहरे पे भी आसानी से काम करे। इस इमरजेंसी लाइट के पैनल में 3 प्रकार का बैटरी स्टेटस इंडिकेटर, जैसे कि ग्रीन, एम्बर और रेड दिए गए हैं। अगर कोच की मेन बैटरी पावर सप्लाई एडिक्वेट है तो ग्रीन वाली लाइट जलती रहती है, और अगर लो है तो एम्बर वाली लाइट जलती है। रेड का मतलब है कि मेन बैटरी की पावर सप्लाई बहुत कम हो गया है या सप्लाई काट ऑफ हो गया है, और इसके साथ साथ दोस्तों इमरजेंसी लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। इस तरीके से इमरजेंसी लाइट काम करती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि भारतीय रेल में हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का कुछ ना कुछ कारण होता है, और इसलिए रेलवे हमारे देश में सबसे कन्वेंशनल एंड सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।